वर्तमान में कोरोना का संक्रमण अपने पूरे शबाब पर है। रायगढ़ जिले में मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। लोगों की लापरवाही इस हद तक बढ़ गई है कि वह अत्यंत गंभीर स्थिति में अस्पताल उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 मरीजों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करने के बाद भी मेडिकल स्टाफ असफल रहता है। यही वजह है कि जिले में भी कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में जब कोरोना महामारी में किसी परिवार में माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संतान के पालन पोषण और देखरेख के लिए कई बार परिवार में और कोई सदस्य नहीं रहता। ऐसे बच्चों के लिए अब आश्रय की पूरी व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जानी है। रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में संचालित सभी संस्था प्रमुखों को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों को रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। रायगढ़ जिले के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की घर घर तक पहुंच है। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी बच्चे की जानकारी दे सकता है जिसके परिजन कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए हैं। साथ ही चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर भी संपर्क कर भी ऐसे बच्चों की जानकारी दी जा सकती है। रायगढ़ में उन्नायक सेवा समिति के संचालक ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि संस्था में वर्तमान लगभग 300 बच्चे रह रहे हैं जिनका आश्रय व देखभाल संस्था द्वारा किया जाता है। कल हम लोगों के पास एक आया है, आदेश आया है शासन से कि कोविड में जिन परिवार से कोई गुजर जाते हैं उनके अगर कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं या तो उनको उनके बच्चों को पालन पोषण में कोई परेशानी आती है तो उन बच्चों को हमारे संस्था में संरक्षण देकर उनका पालन पोषण करना है। और इस कड़ी में देखा जाए तो हमारे पास संस्था तो पहले से था और हमारे पास ऐसे सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक पहले से भी थे। अभी भी हमारे पास 250 से 300 कम से कम बालक बालिकाएं हमारे पास निवासरत हैं और उन्हीं लोगों के साथ जैसे कोई नया बच्चे इस टाइप के आते हैं जिनके परिवार कोविड से पीड़ित होकर बालक का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ उन लोगों का पालन पोषण करने के लिए भी हम लोगों के द्वारा व्यवस्था बना लिया गया है। कभी भी कोई भी बच्चे आते हैं 24 घंटे हम लोग तत्पर है कि वो बच्चे का पालन पोषण हम लोग करेंगे। एक परिवार बिछड़ता है या एक बच्चा माता पिता के बिना रहता है, ऐसे बच्चों को आप आश्रय दे रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? काफी क्योंकि कोरोना का काफी ज्यादा संक्रमण बढ़ गया है, लोग लापरवाही से भी उनकी जाने जा रही है, ऐसे लोगों को कुछ बोलना? जी मैडम, हम खुद भुक्तभोगी है। एक मैं जस्ट पूरे हमारे जो भी दर्शक लोग है उनको निवेदन करना चाहूंगा, हम खुद भुक्तभोगी है। हमारे संस्था के 2 फाउंडर मेंबर जो कि मैंने असमय में गुजर गए, कोविड से ही गुजर गए वो लोग, और आज के डेट में आप देखेंगे उनके जो परिवार के जो लोग उनके द्वारा पालन पोषण किए जा रहे थे, उनके बच्चे हो, उनके और भी जो परिवारजन बहुत दुख झेल रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हम हो या कोई जो दर्शक देख रहे हैं, वो लोग अपने परिवार को ऐसे असमय में छोड़ के, अपने बच्चों को ऐसे मझधार में छोड़ के चले जाएंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे मेरा जोड़ हस्त निवेदन है कि ICMR का जो गाइडलाइन है उसको सख्त रूप से पालन करे, दूसरों को भी प्रेरित करे। बताएंगे कोरोना भयंकर भयावह स्थिति में अभी काफी डेथ भी बढ़ गई है, इसको लेकर के कुछ एक योजना बनाई जा रही है कि जो बच्चे इस कोविड डेथ में अपने माता पिता को खो देते हैं उनके लिए किस प्रकार संस्था में उनको भेजना है, इस बारे में विस्तार से बताएंगे? इसके लिए शासन का एक गाइडलाइन आया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिसको देखरेख की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है, उनके परिवार के अभिभावक यदि कोरोना के कारण से यदि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके परिवार में उसका संरक्षण देने वाला भी कोई नहीं है तो ऐसे बच्चों को इन संस्थाओं में संरक्षण देने का निर्देश है। इसके लिए हमने कल कलेक्टर कार्यालय से एक पत्र सभी संस्थाओं को जारी किया है और साथ ही हम लोग स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र जारी किए हैं। सभी CMO और जितने CO और CDPO हैं सबको लेटर जारी किया हुआ है कि यदि इस प्रकार के बच्चे आते हैं तो हमने उसमें नंबर भी उसमें जारी किया हुआ है और हमारा जो चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098 का, इस नंबर में कॉल करेंगे और हमारी सेवा वहां तक पहुंच जाएगी। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर गांव, हर गली और वार्ड तक पहुंच होती है, इस प्रकार की स्थिति होने पे कितना लाभ मिलने वाला है विभाग को उन बच्चों को आश्रय देने के? आश्रय देने का काम तो पूरा होगा, शासन की जो मंशा है उसका पूरा क्रियान्वयन होगा। रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।